तो क्या देवर जी भी हमारे साथ वन को प्रस्थान करेंगे? हाँ सीते, और साथ चलने के लिए आज उसने जो तर्क दिया मुझे, उस तर्क ने मुझे उसी प्रकार निरुत्तर कर दिया जिस प्रकार एक दिन आपके तर्क ने किया था। गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में उसने उनके समक्ष एक संकल्प लिया था कि वो जीवन भर मेरी छाया बनकर साथ रहेगा। तब किसी को यह अनुमान नहीं था सीते कि उसका यह संकल्प कितना दूर तक जा सकता है। आज उसके अनुरोध को मैं ठुकरा नहीं सका। तब तो मेरी बहन उर्मिला भी साथ चलेगी। नहीं भाभी श्री, देवी उर्मिला हमारे साथ नहीं जाएंगी। क्यों? जब मैं अपने पति के साथ जा सकती हूँ तो मेरी बहन अपने पति का साथ क्यों छोड़ेगी? भाभी श्री, जब मेरी पत्नी को मेरा संकल्प ज्ञात हुआ और यह ज्ञात हुआ कि मैं अपने भ्राता और भाभी श्री के साथ उनका सेवक बनकर जा रहा हूं, तो उन्होंने स्वयं ही मुझे कहा कि एक सेवक को यह अधिकार नहीं है कि वो अपनी अर्धांगिनी को अपने साथ ले जाकर अपने भ्राता पर बोझ डाले, और उन्होंने ही मुझे आप दोनों के साथ अकेले जाने की अनुमति प्रदान की है। तो क्या मेरी बहन ने 14 वर्ष तक अपने पति के बिना इस राजमहल में रहने का ही निर्णय लिया है? हाँ भाभी श्री। स्वामी, मैं अभी आती हूँ। उर्मिला दीदी, आइए ना, आइए बैठिए, कहिए। वैसे तो मैं तुमसे विदा ले चुकी हूं, किंतु ऐसा लगा कि मैं तुमसे एक बार फिर ना मिलूं तो मेरी इच्छा अधूरी रह जाएगी। क्या दीदी, कैसी इच्छा? तुम्हारे चरण छूने की इच्छा। ये क्या कह रही हैं दीदी आप? आपकी बात सुनने से पहले मेरे कान पत्थर के क्यों ना बन गए? नहीं उर्मिला, संसार के लिए मैं अवश्य ही तुमसे बड़ी हूं, किंतु आज जो मैंने सुना उसको सुनने के उपरांत ऐसा लगा जैसे कि तुम मुझसे भी बड़ी हो। मैं तो अपनी तपस्या में अपने पति के साथ हूं, किंतु तुम्हारी तपस्या उसकी कल्पना तो कोई साधारण स्त्री कर ही नहीं सकती। तुमने तो अपने पति का साथ त्याग दिया है, वो साथ जो हर विवाहित स्त्री का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। दीदी नहीं उर्मिला, ये त्याग केवल वही स्त्री कर सकती है जिसका हृदय बहुत बड़ा हो, अस्तित्व बहुत महान हो। मैंने तो अपने पति के साथ रहने के लिए वनवास का निर्णय लिया है, किंतु तुमने तो राजमहल में रह के वनवास का निर्णय लिया है। अकेलेपन का वनवास, सूनेपन का वनवास, राजमहल का वनवास। नहीं दीदी, मैंने कुछ नहीं किया। छाया को काया से केवल अंधकार ही दूर कर सकता है। जीजा श्री काया है और मेरे पति छाया। क्या मैं छाया को काया से दूर करने के लिए अंधकार बन जाती? फिर तो मेरा जीवन नग्न समान बन जाता। मैंने कोई त्याग नहीं किया है, केवल पातिव्रत धर्म का पालन किया है। इसीलिए तो कह रही हूं तुम महान हो उर्मिला। पति व्रता धर्म
त्याग, तपस्या, इन सब की परिभाषा तुम्हारे नाम लिए बिना प्रत्येक काल तक संपूर्ण नहीं होगी। ये मेरा आशीर्वाद है, मैं तुम्हारी महिमा के आगे नतमस्तक हूँ। आपके आशीर्वाद ने मुझे सब कुछ दे दिया दीदी। आपकी वाणी ने मेरे लिए 14 वर्ष के वियोग को सरल बना दिया। जब भी मुझे आपकी आज के दिन की बातें याद आएंगी, मुझे लगेगा कि आप मेरे पास ही हैं। आप सदा ही मेरा आदर्श रही हैं। ये त्याग है, तपस्या, जो भी है, मैंने आप ही से सीखा है। माते, ये क्या पुत्र, तुमने ये वस्त्र क्यों धारण कर रखे हैं? आयुष्मान बहु, माते, मैं आपसे विदा लेने आया हूं। विदा? कैसे विदा पुत्र? माते, मैं भ्राताश्री के साथ वन को प्रस्थान कर रहा हूं। तुम? किंतु तुम क्यों? तुम्हें किसने कहा अयोध्या छोड़ने को? मेरी आत्मा ने माते, अपने भ्राता के साथ रहना मैं अपना धर्म मानता हूं, और मैं अपना धर्म निभा रहा हूं माते। हाँ हाँ, अवश्य निभाओ अपना धर्म, सभी तो अपना अपना धर्म निभा रहे हैं। सभी को तो अपने अपने धर्म के पालन की चिंता पड़ी है, आपकी भावनाओं की तनिक भी चिंता किसी को नहीं है। माते, सोचा था मेरा पुत्र राम चला जाएगा, पर मेरा दूसरा पुत्र तो मेरे पास होगा। नित दिन उसे निहारती रहूंगी, तो एक पुत्र के जाने का वियोग आधा रह जाएगा। पर वो मेरा भ्रम था, मेरा दूसरा पुत्र भी मुझे छोड़कर जा रहा है। अरे, मेरा नहीं तो सुमित्रा का ही सोचना था। वो सुनेगी कि तुम जा रहे हो तो क्या बीतेगी उसके मन पर? वो सुन चुकी है माते। सुमित्रा सुन चुकी है? हाँ माते, वो सुन चुकी है, और उन्होंने सुनकर यह कहा कि यदि मैंने इसके अतिरिक्त और कोई निर्णय लिया होता तो मैं सदा सदा के लिए उनकी दृष्टि से गिर जाता। माते, उन्होंने ही मुझे अपना अनुज धर्म निभाने का निर्देश दिया है। अब आप भी मुझे विदा करें। जाओ पुत्र, निभाओ अपना धर्म। मैं अपने छाती पर एक नहीं, दो दो पत्थर रखकर जीने का अभ्यास करूंगी। जाओ पुत्र, अब मुझसे सहन नहीं होता। जाओ। आशीर्वाद दीजिए माते। Ha ha ha!
हाँ, अंधकार में क्यों खड़ी है दीदी? अंधकार तो हमारे जीवन पर छा गया है। इस कक्ष का अंधकार तो एक नन्ना सा दिया भी दूर कर सकता है, लेकिन जो अंधकार हमारे जीवन पर छा गया है वो कैसे दूर होगा? आप ठीक कहती है दीदी। दुर्भाग्य तो इस बात का है कि ये अंधकार मेरे परिवार के कारण फैला है। मुझे चिंता इस बात की है कि ऐसी कठिन घड़ी में मेरे पति भी अयोध्या में नहीं हैं। मैंने सोचा था कि हम चारों बहनें साथ मिलकर रघुकुल की एकता को बढ़ाएंगी। दीदी, हम चार बहनों में तो अब भी कोई मतभेद नहीं है, और सत्य पूछो तो हमारे पतियों में भी आपसी मतभेद नहीं है। यदि राजकुमार भरत यहाँ होते तो संभवतः ये सब होता ही नहीं जो हो रहा है। हाँ बहन, कुछ दिन अपने पतिदेव के साथ रहकर मुझे विश्वास हो गया है कि यदि वो यहाँ होते तो ये अनर्थ कभी नहीं होता, किंतु मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब किया क्या जाए। आज अयोध्या नगरी में हर एक नेत्र अश्रुओं से भीगे हुए हैं। इन अश्रुओं को केवल हमारे आंचल ही पोंछ सकते हैं। दीदी, हमें अपने आंसू पीकर माताओं के आंसू पोंछने होंगे। हमें पिताश्री का भी ध्यान रखना होगा। दीदी, ये उदास होकर बैठ जाने का समय नहीं है। हमारे धर्म की परीक्षा आज से आरंभ हो रही है। क्या कहूं देवी, ईश्वर ने मुझे देखने सुनने और बोलने की शक्ति क्यों दी, ना दी होती तो आज वो नहीं देखता जो देखना पड़ रहा है, वो नहीं सुनता जो सुनना पड़ रहा है, वो नहीं कहता जो श्री राम को कहना पड़ा कि महारानी के कहे के हट के कारण वो युवराज नहीं बनेंगे। देवी, आज मेरी आंखों के सामने वो परिवार बिखरा जा रहा है जिसकी एकता समस्त संसार के लिए उदाहरण थी, और मैं इसका एक मूक दर्शक बनकर खड़ा हूं। ये सब तो किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। जो स्वप्न में भी नहीं सोचा था वो सत्य आज आंखों के सामने खड़ा है। ईश्वर महाराज पर दया करे। स्वामी, आपको महाराज को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। सत्य कह रही हो देवी, इस कठिन घड़ी में न जाने कब उन्हें आवश्यकता पड़ जाए। मैं जाता हूं। प्रणाम राजकुमार। प्रणाम धाई मां। कहिए, कैसे कष्ट किया आपको आपके अनुज के युवराज बनने की बधाई देने आई हूं राजकुमार। धन्यवाद धाई मां। आपने तो कभी सोचा भी ना होगा कि मेरा भर कभी अयोध्या का युवराज बन सकता है। ताई मां, सत्य तो यह है कि मैंने कभी इसके अतिरिक्त और कुछ सोचा ही नहीं।
अनुज भरत को ही अयोध्या का युवराज बनना चाहिए। जी? मैंने तो पिताश्री से तभी कह दिया था जब उन्होंने मुझे युवराज बनाने की घोषणा की थी कि वो अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार कर लें। क्यों? क्यों? क्योंकि भरत मुझसे अधिक श्रेष्ठ युवराज सिद्ध होगा। मुझे डर लगता है, किंतु इस अवसर की प्रसन्नता में मैं आपको लड्डू खिलाने आई थी। तो खिलाइए ना, भय किस बात का धाई मां? राजकुमार लक्ष्मण ने क्रोध में मेरे लड्डुओं का थाल गिरा दिया था। मैं अनुज लक्ष्मण की ओर से क्षमा मांगता हूं। तो फिर लीजिए। यूं नहीं धाई मां, आप अपने हाथों से खिलाएंगी तभी इन लड्डुओं का स्वाद बढ़ जाएगा। वाह वाह धाई मां, धाई मां, जिस प्रकार स्वाति की बूंद संसार की सबसे मूल्यवान बूंद होती है, उसी प्रकार आपके हाथ से खाई हुई मिठाई सारे मिष्ठानों से बढ़कर है। धाई मां, आप मेरा एक कार्य करेंगी? क्यों नहीं, आदेश दीजिए। धाई मां, आप भरत से कहिए कि उसे अयोध्या के सिंहासन पर देखना मेरे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा थी। वो पल तो मैं देख नहीं पाया, किंतु उस पल का मुझे इतना हर्ष था कि मैंने मुंह मीठा करने के उपरांत ही अयोध्या नगरी को छोड़ा। मैं अवश्य कह दूंगी। और धाई मां, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय भरत के युवराज बनने की प्रसन्नता में आपने मेरा मुंह मीठा करके जो आनंद मुझे दिया है वो सदा मुझे लुभाता रहेगा।